हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे इस वक्त आपके पार्टनर जो आपके दिल और दिमाग में है, ठीक है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, सेम सेक्स वाले लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे, कोई भी रोमांटिक पार्टनर, जेंडर यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, जो आपके दिल और दिमाग में इस वक्त है उनकी फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग में जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुँचते हो आपके लिए उस वक्त का मैसेज निकल के आता है, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। अगर मतलब अगर आप बहुत दिनों से आपके पार्टनर का इंतजार कर रहे हो तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, आपको माइंड में रख के मैसेज करना है, वहाँ पर आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाती हैं। देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। आपको एकदम हैप्पी माइंडसेट के साथ कार्ड्स को भी देखना होता है, ठीक है, तभी पॉजिटिव रीडिंग निकल के आती है। अंडरस्टैंडिंग कार्ड्स दिख रहे हैं, यस, एडवेंचर, साइलेंस, न्यू विजन और यहाँ पे है पॉसिबिलिटीज। The rebel, ordinariness, change, participation और यहाँ पे है the miser, rebirth, wow। तो इस वक्त आपके पार्टनर दिख रहा है ना आपको, यस, यहाँ पे आपको स्ट्रांगली साइंस बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और एरिजियो सैजिटेरियस है, ठीक है। यहाँ पे नंबर है नंबर 8, 2, 4, 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 8 यहाँ पे, ठीक है, 1 और 5, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर डेफिनेटली, यहाँ पे नंबर 10 भी है, आपके आपके पार्टनर के बर्थडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। इस रिश्ते का रीबर्थ किस तरह से करना है, कैसे करना है, दिल से ये चाहते हैं इस वक्त इस रिश्ते का रीबर्थ। रीबर्थ मतलब इस रिश्ते का रीस्टार्ट करना चाहते हैं, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है वो सब कुछ भूल भाल के ये रिश्ता स्टार्ट करने के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस वक्त समझने की कोशिश कर रहे हैं जो भी इस रिश्ते में हुआ है, पास्ट में क्या हुआ है, इस वक्त क्या चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, वो सब कुछ सोचने की कोशिश कर रहे, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यस, उन्होंने जो भी आपके साथ बगावत की है, आपको धोखा दिया है, चीट किया है, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने आप को ही तराश रहे हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया है और मतलब ऐसा मेरे हाथ से हुआ भी कैसे, ठीक है। ये इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त इनका ऐसा चल रहा है जैसी लाइफ आ रही है वैसे जिए जा रहे हैं और इनको डेफिनेटली इस बात का गारंटी है कि ये रिश्ता डेफिनेटली स्टार्ट होने वाला है। इनको दिल से ऐसा फील होता है, ठीक है। इस वक्त उनका है कि अपनी लाइफ में जिए जा रहे हैं। अगर ये कुछ जॉब वॉब करते हैं ना, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फोकस दे के काम कर रहे हैं ताकि आपकी यादें इनको बहुत ज़्यादा ना आए, ठीक है। नए नए काम कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट साइंस कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन इन्होंने अपने आप के ऊपर ले लिया है, लेकिन वो अपने मज़े के साथ कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो भी काम कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, मज़े के साथ कर रहे हैं, इसीलिए ना जब वो काम करते हैं तो आपके ऊपर का फोकस जो उनका ज़रा सा हट जाता है और इसलिए उनको ज़रा दिल को सुकून आ जाता है कि यस आज का दिन तो अच्छा गया। लेकिन जैसे रात हो जाती है इनका कुछ भी माइंड काम नहीं करता, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, साइलेंस हो जाते हैं। इनको यही समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्या है कि जब थोड़ी देर के लिए भी मैं इनका कैसा है पता, अगर ये जब काम में बिजी होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो इनको आपका ज़रा याद मतलब अगर 100% में से 10% ही आता होगा, ठीक है। जिस वक्त इनका काम नहीं होता है, काम में से फ्री हो जाते हैं, इनका दिमाग पागल होने लगता है। इनको समझ में नहीं आता है कि यार मतलब करूँ तो करूँ क्या, मतलब अगर मुझे कुछ काम नहीं तो बस यही काम है और यही मेरे माइंड में घूमती रहती है, ठीक है। इस वक्त साइलेंस बनाए बैठे है, ये आपके साथ चुप्पी तोड़ नहीं रहे, ठीक है, जो कि तोड़ना भी चाहते हैं, रिश्ते को स्टार्ट भी करना चाहते हैं, इस रिश्ते में चेंज भी लाना चाहते हैं। इनको डेफिनेटली इन्होंने डिसाइड कर लिया है रिश्ते में चेंज लाना है, मतलब इस रिश्ते में अभी जो भी चल रहा है, ठीक है, सब कुछ उल्टा कर देना है। और अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस रिश्ते में है ना, नेगेटिविटी, तो उसको पॉजिटिविटी में बदलना है। न्यू विजन, अलग तरीके से सब कुछ नया इनको आपके साथ स्टार्ट करना है। डेफिनेटली आपके साथ ये रीयूनियन करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त साइलेंस बनाए बैठे हैं।
आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी अपनी लाइफ में बिजी है, खुश है अपनी फैमिली के साथ, अपना जो भी इन्होंने जो भी थर्ड पार्टीज भी अगर रोमांटिक भी है उनके साथ बहुत हैप्पी है, और अगर उनके मम्मी पापा भी है अपने फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है और आपको भूल चुके हैं, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ये है आपके साथ नई दुनिया बनाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे घर है, यहाँ पे पूरी अर्थ है, ठीक है, नीचे ग्रीन ग्रीन सब कुछ है, मतलब ये आपके साथ नई दुनिया किस तरह से बनानी है, आपको कैसे ऑफर करनी है इस बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, सब कुछ नया, अंडरस्टैंडिंग पॉसिबिलिटीज, आपको किस तरह से समझाया जा सकता है इस रिश्ते में फिर से लाने के लिए, ये इस तरह से सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या आपको बताऊँ और कैसे समझाऊँ और कैसे अपने आप को मैं सही साबित करूँ, ठीक है, जैसे जिससे कि ये रिश्ता स्टार्ट हो जाए, ये इस तरह से इस वक्त सोच रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दिखाने में कंजूसी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दो दो कार्ड्स आए हैं, यस एग्जिस्टेंस, मतलब ये मैजिशियन का ही कार्ड होता है, बहुत ज़्यादा जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बोला आपको अपने आँखों के सामने चलाते हैं, जब भी फ्री हो जाते हैं ना आप इनके आँखों के सामने चलने लगते हो, और इसी को कहते जाने अनजाने मैनिफेस्ट करना, इन्होंने इतना आपको मैनिफेस्ट किया है ना कि इनका मैनिफेस्टेशन अब सक्सेसफुल होने लगा है, ठीक है, ये जैसा सोचते हैं ना वैसे ही इनके लाइफ में हो रहा है, और ज़्यादातर आप ही के बारे में सोचते हैं, और इसीलिए इनको भी ये फीलिंग्स आने लगी कि ये रिश्ता बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और दिल इनका बहुत ज़्यादा करता है आपसे बात करने का, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे तो भी पार्टिसिपेट कर रहे, हो सकता है कि किसी शादी फंक्शन में जा रहे हैं, या फिर कोई यहाँ पे जहाँ पे जॉब करते हैं ना वहाँ पे कुछ पार्टीज एंड ऑल हो, कहीं पे तो भी पार्टिसिपेट कर रहे, इसीलिए अपने आप को बिजी रख पा रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को दिखाने में कंजूसी करते, प्यार बहुत करते, लेकिन देखो सब कुछ हाइड करके रखा है, इनको अपनी बातें हाइड करके रखने की बहुत ज़्यादा आदत है, ठीक है, आपको पहले भी ऐसा ही लगता होगा कि ये कैसा इंसान है, मतलब बोलता ही नहीं कुछ कि मैं प्यार करता हूँ नहीं करता, आपको उनको देख के ऐसा लगता होगा कि शक्ल बहुत ज़्यादा रूड, ठीक है, इस तरह से है कि प्यार मतलब इसको तो कुछ प्यार नाम का कुछ है ही नहीं, प्यार में इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसे इनके शक्ल पे दिख जाता है, हमेशा शक्ल पे 12 बजे हुए रहते हैं, लेकिन ये बहुत प्यार करते हैं और प्यार को इस तरह से पकड़ के रखे, कंजूस शो करने में कंजूसी, ठीक है, और या तो इनके पास वर्ड ही नहीं होते प्यार को कैसे शो करते, इनको आता ही नहीं है, ठीक है, और इनका ऐसा है ना इनको कभी भी इतना प्यार नहीं मिला है जितना कि आपने इनको किया है, ठीक है, तो इनको ये भी बिलीव नहीं होता है कि मुझसे भी कोई इतना प्यार कर सकता है, और जो कि इनको मिल ही गया था आपका प्यार, तो अब इनका है कि पहले तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, ठीक है, और जैसे जैसे इनके इमोशंस आपसे दूर हुए तब से डेवलप होने लगे, बहुत ज़्यादा उनको समझ में आने लगा कि यस प्यार नाम की कोई चीज़ होती भी है रियल में, ठीक है, जैसे कि उनको पहले लगता था प्यार सिर्फ फिल्मों में होता है, और जो रियल में होता है ये आपने इन्हें सिखाया है, ठीक है, तो अब इनको ऐसा है कि अब इनको यकीन तो हो चुका है कि यस प्यार तो है, लेकिन मुझे शो नहीं करना है, मुझे बताना नहीं है, और मैं जैसा पहले था वैसे ही इसको दिखना चाहिए, ये इसीलिए आपको अपना जो भी इनके दिल की फीलिंग्स है ना आपको बताते नहीं है, ठीक है, तो यस डेफिनेटली इस वक्त के आपके पार्टनर की फीलिंग्स है इस तरह से थॉट्स के आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट करना है, रिश्ते का रीबर्थ करना है, ठीक है, और प्यार को मुझे शो नहीं करना है, जब एक्शन लेना है तब मैं बता दूंगा जाके, इस तरह से इस वक्त सोच रहे हैं, ठीक है, तो यस अगर आपको लगा कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो सकती है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके भी साथ रीडिंग रेजोनेट मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि मुझे पता चले किसके एनर्जीज निकल के आई है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।